What is up guys, it's me your friend Jay Mukherjee and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हमारे चैनल पे भी आपका स्वागत है. मैं शायद भूल जाता हूँ बोलने के लिए. एनीवेज, तो ये वीडियो है एक प्रोडक्ट के बारे में. कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, कोई रिव्यूज मैं देने नहीं वाला हूँ. एक सिंपल सा प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. विदाउट एनी फर्दर डू पहले चैनल का इंट्रो रोल कर लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं. एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, वो अमेजोन से है. अब सीन ये है इस प्रोडक्ट का कि भैया प्रोडक्ट बहुत ही यूटिलिटी है और मैं शायद इसको एक साल पहले ऑर्डर करने वाला था लेकिन मैंने अभी ऑर्डर कर लिया है इसको, तो एक साल लेट हूँ लेकिन दे रहा है दुरुस्त है. एक्चुअली समस्या ये हो रही थी कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा मेरा जो मॉनिटर है अभी, तो मॉनिटर मैंने कुछ इस तरीके से रखा है. उसके लेफ्ट साइड में ऑडियो इंटरफेस है क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ तो ऑडियो इंटरफेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पे आपको एक राउटर दिखेगा. ये इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा था कि मान लो बहुत ज़्यादा सा ना टेबल ख़राब लग रहा है तो फिर सेटअप का कुछ अच्छा नहीं होता है तो काम करने को बैठने को भी मज़ा नहीं आता है. तो ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है इससे क्या होगा, जहाँ पे अभी साउंड इंटरफेस आपको दिख रहा था तो उसके जगह में राउटर शिफ्ट हो जाएगा और एग्जैक्टली ऑडियो इंटरफेस है वो मॉनिटर के नीचे आ जाएगा. तो उससे होगा क्या कि जो जगह है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखेगा. और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ और जो प्रोडक्ट है मैं आपको बता देता हूँ कैसा है वो. ये प्रोडक्ट है और ये काफ़ी भारी बर्कन है. मैंने एक्चुअली एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी कि ये इतना बड़ा होगा प्रोडक्ट, तो इसको मैं जो थैली है उससे मैं निकाल लेता हूँ इसको. तो ये है वो प्रोडक्ट और इसको ऑर्डर किया है मैंने अमेजोन से और ये प्रोडक्ट भी है अमेजोन बेसिक्स की तरफ से. यहाँ पे आपको दिखेगा ये बेसिक्स, अमेजोन बेसिक्स लिखा हुआ है तो ये उसके तरफ से है. तो अभी इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर देख दिखा देता हूँ एग्जैक्टली और मैं फिर आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट काम करता कैसे है. हाँ जी, ये टूल है, इसको यहाँ से हम अनबॉक्स करेंगे. बढ़िया सा यार, ये तो अच्छी चीज है, अल्मीनियम की है ये. तो ये यहाँ पे चले जाएगा और ये वाला उसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे हमें गैप मिलता है और इसके इससे थोड़ा सा मॉनिटर का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा. चीज़ें आई होप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी. तो मैं तुरंत इसको करके आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे दिखेगा. तो देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा था जिसके बारे में, ये ऐसे लगता है और इसके ऊपर ये स्क्रीन आ गया है. तो इसके वजह से हुआ क्या है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो चीज़ थी राउटर के जगह में थी और राउटर आगे था तो उसके वजह से जो प्लेस था वो ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा था. मैं थोड़ा हायर एंगल से आपको बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे. तो इसके लिए जगह देखेंगे अगर आप तो काफ़ी यहाँ पे जगह क्लियर अप हो गई है. ये चीज़ इसके नीचे आ गया है और उसके ऊपर मॉनिटर आ गया है और राउटर जो है पीछे चले गए हैं. तो एक अच्छा क्या हुआ कि राउटर का जो एक्चुअल जो केबल होता है जिसको जिसपे सीपीयू से कनेक्ट होता है, इथरनेट का जो केबल है वो बहुत छोटा था. तो इसके लिए ये जो पीछे ये होल दिख रहा है आपको, ये बैक साइड से इसका वायर आकर के यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होता था तो इसके लिए राउटर थोड़ा सा टेढ़ा या कभी ऐसे रहा करता था. तो अब इसके वजह से अभी सॉर्टेड हो गया है. आई होप आपको समझ में आ गया है. ये यहाँ से दोनों तरफ से ओपन है ये, तो यहाँ से वायरें भी जा सकती है आपकी. ये 13 इंच का मैकबुक प्रो है तो ये भी इसके नीचे आराम से चले जाएगा. उम्मीद करता हूँ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा आपको और मेरे लिए तो खास करके मैं अगर कहूँ तो ये बहुत ही यूटिलिटी पर्पस मुझे लगा ऐसे. अगर आपका जो डेस्क है वो जितना ज़्यादा क्लीन रहता है तो काम करने में उतना ही मज़ा आता है. और ऐसे अगर गैजेट्स, सेंसिबल गैजेट्स अगर मिल जाए तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है. नहीं तो बहुत सारे गैजेट में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि महंगे महंगे गैजेट्स लेते हैं लेकिन सॉरी यूटिलिटी के वजह से वो थोड़ा मार खा जाता है. प्राइस हाई रहता है पर यूटिलिटी उसकी ज़ीरो होती है. और बाय द वे थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड अजय भाई को, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनकी वर्कशॉप में आया था. आई डोंट नो फॉर सम रीज़न अमेजोन से ये मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा था
और मजे की बात बताओ तो मैं उनके ही वर्कशॉप में जाने वाला था ये प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि एक आध दिन हो गए थे ये प्रोडक्ट उनके ही वर्कशॉप में पड़ा था। खैर प्रोडक्ट खुद ही आ गया, भाई लेके आ गए, तो ऑर्डर भी उन्होंने ही किया, प्रोडक्ट भी आया उनके पास और वो लेके भी आए। थैंक यू सो मच अजय भाई, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो। और मैं ये बताता हूँ मैं कितना खुश हो गया था, इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और रिसेंटली एक मेरा ऑफिशियल रिमिक्स आया था एंड टू बी एंड, जिसको हरनीत ने गाया था, इवॉल ने उसका म्यूजिक किया था और उसका जो रिमिक्स म्यूजिक है वो मैंने बनाया था, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको लिंक यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला है, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। Yeah.